ये जीजे कॉलेज का मेन गेट है, चलिए इसमें हम लोग एंट्री करते हैं। चलिए आप लोग का दूसरा गेट से मिलाते हैं, देखते हैं अंदर चलकर कैसा है। और ये है दूसरा गेट। फाइनली हम लोग जीजे कॉलेज में एंट्री कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। देखिए ये कैंटीन है जो 2021 में काम लगा था, तो फाइनली अब ये बन चुका है। और यहाँ पे ये स्टूडेंट ना होने के कारण सब खाली खाली है, जो इधर बना है देख सकते हैं आप। स्टूडेंट को रहने के, बैठने उठने के लिए मतलब कि ये बना है। तो चलिए अब साइकिल और बाइक स्टैंड दिखाते हैं। ये जीजे कॉलेज का गेट है जो अंदर से है, तो यही बाइक स्टैंड है जो बाइकों के यहाँ पे लगाया जाता था। अभी सब खाली खाली है क्योंकि हम लोग खाली छुट्टी समय में ही आए हैं। तो देखिए कॉलेज में काम लगा हुआ है, तो 2021 में काम लगा था, अभी तक काम चल रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं। ये एक नया पोटिको बना है जो कि पहले नहीं था, अभी फाइनली बन चुका है जैसा कि देख सकते हैं आप लोग। देख सकते हैं हम लोग जीजे कॉलेज में आए हुए हैं और यहाँ का लुक काफ़ी ही शानदार है। बहुत दिन के बाद आए तो देखा कि यहाँ पे बहुत ही इसका लुक शानदार अच्छा है, अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब खाली खाली है, अभी क्लास बंद है, तो हम लोग इसी तरह घूमने आ गए, अभी समय से पहले आए हैं। देखिए मेरे पीछे कितना ही शानदार नज़ारा है, बहुत ही मस्त है। और ये एक देखिए, यहाँ काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, सारे फूल अभी फुलाए हुए हैं, मस्त मस्त है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बसंत का टाइम है, तो सारे पेड़ एकदम फरे फूले हैं, एकदम मस्त ही नज़ारा है, कुछ काफ़ी अच्छा ही लुक है। देखिए जैसे ये, इसको सिलहाठी का पेड़ कहा जाता है, और ये बहुत ही दिखने में शानदार लग रहा है। और ये मेरे दोस्त सब है यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे जो कॉलेज के संस्थापक हैं माचा बाबा, उनकी तस्वीर को हम लोग दिखाते हैं। आ गए हम लोग, देख सकते हैं आप यहाँ स्मृति है, ये माचा बाबा माचा स्वामी का है, ये यहाँ पे जो यही संस्थापक है 1883-2010 का। और यहाँ पे एक गर्ल्स हॉस्टल भी है जो देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये गर्ल्स हॉस्टल है। अब आप लोगों को ग्राउंड दिखाता हूँ, मेरे साथ देखते रहिए। कॉलेज के बाहर अब हम लोग जा रहे हैं, तो देख ही सकते हैं कितना बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा है, देख सकते हैं इधर भी है, सब कॉलेज के अंदर कहीं आते हैं सब। तो फ्रेंड मुझे पता है कि आप लोगों को मेरा आवाज़ क्लियर नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, तो मोबाइल के ही माइक से काम चलाना पड़ रहा है। तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो जल्द माइक और कैमरा जल्द ही आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और छोटे भाई समझकर एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।